हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पूरी दुनिया की। इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है, इतना बड़ा गौरव देश के पास है, लेकिन हम सीना तान करके दुनिया में कहते नहीं है। मैं पिछली बार जब यूनो में मेरा भाषण था तो मैंने जानबूझकर कुछ तमिल बातें बताई, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता था। मुझे गर्व है कि तमिल भाषा दुनिया की श्रेष्ठ भाषा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा ये मेरे देश की। हमें गर्व करना चाहिए। अब देखिए, बड़े आराम से उत्तर भारत का व्यक्ति डोसा खाता है कि नहीं खाता है, खाता है कि नहीं खाता है, सांभर भी बड़े मजे से खाता है कि नहीं खाता है, तब तो उसको उत्तर दक्षिण कुछ नजर नहीं आता है। दक्षिण में जाइए आप तो वहां परोठा सब्जी भी मिल जाती है, पूरी सब्जी भी मिल जाती है, और बड़े चाव से लोग खाते हैं, गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई तनाव नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है। जितनी सहजता से बाकी जिंदगी आती है, उतनी ही सहजता से, और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के उपरांत भारत की कोई न कोई भाषा, कुछ तो सेंटेंसेस आने चाहिए। आप देखिए, आपको आनंद आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिलोगे और दो वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोलोगे, एकदम अपनापन हो जाएगा।